नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों से संबंधित जो अभी हाल ही में जो भी महिलाएं नियुक्त हुई हैं विदेशों में, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से एक दो नंबर एग्ज़ाम से ज़रूर पूछा जाता है। अभी हाल में UPPCS का पेपर हुआ था तो वहाँ पर पूछा था कि अभी जो जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की, वहाँ की CEO कौन है या कि वहाँ की अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टिना जॉर्जिया था। उससे संबंधित इसी तो वीडियो में लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊँगा जो भी उससे भी इम्पॉर्टेंट होगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नियुक्ति हुई है। अभी हाल ही में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी जो है सद्भावना दूत कौन बनी है? अभी हमारी देश की पद्मा लक्ष्मी यहाँ की सद्भावना दूत बनी है। अगर पूछेगा कि UNDP एक होता है UNEP, डी से होता है डेवलपमेंट और ई से होता है इन्वायरमेंट, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप लोग एक मत समझिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करते भी चल रहा हूँ। तो यहाँ की सद्भावना दूत कौन बनी है? आप बताएंगे पद्मा लक्ष्मी। अगला देखते हैं कौन बनी है। अगला दिया है कि WHO जो है एक संस्था है, कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। और जेनेवा में और भी जैसे ILO का हो गया, विश्व मौसम का हो गया, वहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो इसके WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, जो कि अपने देश भारत से संबंधित हैं। तो आप बताएंगे कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। अगला देखते हैं कौन है। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? देखिए, अभी तक हम राष्ट्रीय महिला पायलट बता रहे थे, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हैं जो कि अटलांटिक महासागर, जो कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो यश आकार का महासागर है उसको जो हम क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। और ये कौन है? आरुही पंडित हैं इनका नाम, जो कि यहाँ से लगभग पूरे अटलांटिक महासागर को जहाज़ से पार करने वाली पहली महिला हैं। इसलिए दिया गया अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? आरुही पंडित। सोच लीजिए, एक लेडीज़ हो के या महिला हो के इतना बड़ा कारनामा किए हैं, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और आने वाले 10-20 सालों के एग्जाम में इनका नाम हमेशा ही पूछा जाएगा कि अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला आरुही पंडित। अगला देखते हैं, यहाँ देखा EU मतलब होता है यूरोपीय यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, तो आप बताएंगे अभी जल्दी में इनकी नियुक्ति हुई है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये कहाँ की हैं? जर्मनी के हैं, तो यूरोपीय यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष बने हैं। अगला देखते हैं विश्व बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर Washington DC में, इसके CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहते हैं और MD भी कौन है? अंशुला कांत, जो कि अपने देश भारत से हैं। अंशुला कांत बताएंगे वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास, वहाँ के वर्ल्ड बैंक के डेविस मालपास अध्यक्ष हैं। तो अगला देखते हैं, अध्यक्ष और CFO में अंतर होता है, इसलिए अध्यक्ष पूछेगा तो डेविस मालपास और CFO या MD पूछेगा तब अंशुला कांत बताएंगे। USA के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय मूल की महिला कौन है? तो अभी हाल ही में कमला हैरिस जीती हैं उपराष्ट्रपति, जो कि जो बाइडेन, जो कि वहाँ के 46वें नंबर, हमेशा आप लोग याद करिएगा 46वें, और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, और जो बाइडेन ये यहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो USA की ये पहली अश्वेत महिला भी हैं जो कि भारत देश से हैं। इनके पिताजी ऑकलैंड में, इनके जो है जन्म हुआ था कमला हैरिस, तब से ये अमेरिका में चली गई और वहीं पे पढ़ाई की हैं और वहाँ पर इस समय भारतीय मूल की हैं, उपराष्ट्रपति बनी हैं, तो इसलिए यहाँ को इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो सुमन कुमारी, जो कि अपने देश भारत से हैं, सुमन कुमारी। तो पाकिस्तान की पहली महिला जज है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए यहाँ के भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। अभी पूछा है हाल ही में
मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि मेलबोर्न है, मेलबोर्न या मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्लेयर हैं कोनोर, यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये था कुछ महिलाओं से रिलेटेड, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला जो कि नियुक्ति हुई है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।